नॉन मेटेलिक इरिटेंट पॉइजन आयोडीन। अब आयोडीन के नाम से हम कुछ चीज़ें ऐसे कर लेते हैं, आयो आई आई से शुरू हो रहा है, आई हम एक इमेजिन कर लेते हैं, ब्राउन आइज, ठीक है, प्यूपल इज डायलेटेड, ऑफकोर्स सेक्सी लेडी, ये सेक्सी लेडी के ही ये फीचर्स हैं, ठीक है, ब्राउन आइज, प्यूपल इज डायलेटेड एंड अब सेक्सी लेडी के जो फीचर हैं, ठीक है। अच्छा, तो ब्राउन आइज से क्या मुराद है कि आयोडीन इज़ ब्राउन इन कलर, प्यूपल इज़ डायलेटेड, प्यूपल के पी से हम कर लेते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आयोडीन, पी से प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, आयोडीन का दिस प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, और सेक्सी के एस से हम कर लेंगे इसकी ट्रीटमेंट जब ट्रीटमेंट वाले पोर्शन पे जाएंगे। अब आयोडीन डीन, डी से क्या है, एडिमा, ये क्या क्या काज करता है, एडिमा काज करता है, ठीक है, एडिमा ऑफ द आईज, एडिमा ऑफ द फेस ईटीसी, और इसी तरह डी से ही हमारे पास सीएनएस सिम्टम्स वगैरह भी काज करता है, डी से डिप्रेशन, डी से डिलीरियम कोलैप्स वगैरह ये भी इससे काज करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम इसके क्या होते हैं आयोडीन पॉइजनिंग के केस में, एज ऑलवेज पी से पॉइजन, पी से पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन, बर्निंग पेन इन माउथ, एसोफेगस एंड स्टमक। अगली बात पी से पॉइजन, पी से फिजिकल करेक्टरिस्टिक, फिजिकल करेक्टरिस्टिक अभी हमें अभी हमने किए हैं, वो क्या है, ब्राउन, ब्राउन इन कलर, तो हैंस इट का दिस ब्राउनिश डिसकलराइजेशन ऑफ द लिप्स एंड ओरल म्यूकोजा, ठीक। और नेक्स्ट हम कौन कौन से सिस्टम को देखते हैं, जो जीआईटी को देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पॉइजन को इंजेस्ट किया है, और सीएनएस को जो हमारा मेन जो हमारा सिस्टम है उसको देखते हैं। जीआईटी के केस में क्या काज करता है, एज ऑलवेज इंटेंस सर्च काज करता है, वोमिटिंग डायरिया, ठीक है, ईटीसी, वोमिटिंग और डायरिया के अंदर जो वोमिटस और जो स्टूल्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, डार्क या ब्राउनिश इन कलर इस टाइप के होते हैं, और जो यूरिन होता है वो भी स्कैंटी थोड़ी सी अमाउंट के अंदर होता है, और वो आयोडीन की उसमें से स्मेल आ रही होती है, ठीक। और सीएनएस में वही डिलीरियम डिप्रेशन कोलैप्स ईटीसी, वही जो डी वाले वो आयोडीन के डी से जो हैं वो काज करता है, ठीक है। और इसी तरह डी से ही हमने एडिमा बनाया था, ठीक, तो जब हम इसके वेपर्स को इनहेल करते हैं तो ये एडिमा ऑफ द ग्लोटिस काज करता है, जिसकी वजह से डेथ फ्रॉम द एस्फिक्सिया हो जाता है, एडिमा ऑफ द ग्लोटिस, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, वो क्या है, क्रोनिक यूज़ ऑफ दी आयोडीन, क्रोनिक यूज़ ऑफ आयोडीन के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है आयोडिज्म, क्या है जी, आयोडिज्म। अब इसमें क्या होता है, आयोडिज्म में भी डी को पकड़ के एडिमा हो जाता है, एडिमा ऑफ आईज, एडिमा ऑफ फेस, ठीक है। अब फेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हेड है तो हेड एक काज करता है, आईज है तो कंजक्टिवाइटिस काज करता है, नोज है तो कोराइजिया या रनिंग नोज काज करता है, ठीक है, ये इसकी जो साइन एंड सिम्पटम्स हो गई। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, हमने ब्राउन आइज, प्यूपल इज डायलेटेड, सेक्सी लेडी एस से हमने कहा था इसको ट्रीटमेंट, सेक्सी के एस को हम ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे। अब सबसे पहले जो स्टमक वॉश होता है उसके अंदर कौन से सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, एस से सोडियम थायोसल्फेट, एस से सोडियम थायोसल्फेट, और डिमल्सन के तौर पर कौन से सब्सटेंस यूज़ करते हैं, वो भी एस से है, एस से स्टार्च, स्टार्च को यूज़ करते हैं, स्टार्च के अलावा हम जो फूड हो गया, ऑयल्स हो गए, मिल्क हो गया, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह एस से ही स्टीराइड्स, इसके केस में हम स्टीराइड्स भी बॉडी में डालते हैं उसको रिकवर करने के लिए, इसके अलावा एंटी हिस्टामिनेसिस भी देते हैं, ठीक है, सम टाइम ट्रेकिस्टोमी भी की जाती है,